ससुर वाली पहले आप पूछ लीजिए, ये दूसरों का तरीका है। आप शरीयत में अगर गलत करोगे तो आप नहीं चाहे मेरे वारिस साहब वो अब्बू मोहतरम, तो उनको भी मैं नहीं बख्शता हूँ। ये पूछ रहे यहाँ के लोगों से, आप जैसे उनके मेहमान हो आप मेरे भी मेहमान हो। आप चलो हाथ पैर सब दबाऊंगा, सर पे तेल भी लगाऊंगा, लेकिन शरीयत में गलत करोगे तो नहीं बख्शूंगा। आप जिसने बजाया है वो तौबा करे, मुझसे नहीं अल्लाह और रसूल से। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं निकाह पढ़ाऊंगा ना किसी को पढ़ाने दूंगा अपनी जमीन पर, क्योंकि मैं यहाँ का काजी शरा काजी शहर हूँ, और मेरी मौजूदगी में आप किसी भी मौलवी को या काजी को ला करके निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए चाहे शरई कदम मुझे उठाना पड़े, चाहे कानूनी कदम उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। आपको तौबा करने के साथ साथ जुर्माना अदा करना होगा, फिर जाके निकाह होगा, और ये इबरत होगा, सबक होगा हर जगह के लिए, हर एक मुसलमान के लिए। सोचो जरा आप कि इसी तरह की शादियां आप करते हैं, इसमें अल्लाह के नेक बंदे कहां से आएंगे? शैतान आते हैं, फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद घर जब बर्बाद होता तो भाग करके मेरे ही पास आते हो, या हम जैसे मौलवियों के पास जाते हो, बहू हमारी टेढ़ी चल रही है, तो लड़का सिर्फ बहू की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तुमने जब शैतान को दावत दिया है तो शैतान वाला करेंगे ही। अरे उन्हें रखाने हैं, किसने किया, जिस जिसने किया तौबा करे, बुलाओ, तौबा करे, जुर्माना दे, क्या हो गया।